हम आज बनाएंगे मूली का अचार। सर्दी के मौसम में मूलियां बहुत अच्छी मिलती हैं और इसका अचार बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। इस अचार को हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसे आप बहुत लंबे समय तक रखकर खा सकेंगे। मूली का सीजन चला जाएगा लेकिन अचार खराब नहीं होगा। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। चार मूली है, आधा किलो मूली, 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम अदरक। सारी चीज़ों को अच्छे से धोकर सुखा कर ले लिया है। मूली को पहले छील लेंगे। ये छिल गई, अब इनको काटेंगे। थोड़ा सा ये आगे पीछे से हटा देंगे, थोड़ा थोड़ा, और पीसेस आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं थोड़ा सा वाइट साइज में बना रही हूँ, आप लंबे गोल जैसे चाहे पीसेस बना सकते हैं। इनके भी मैं दो करूंगी। अचार के लिए जो मूलियाँ ला रहे हैं वो बहुत पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। पतली होंगी तो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं वो, और उनमें पल्प भी नहीं होता, और मोटी मूली अंदर से फुसफुसी निकलती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। मूली कट गई, अब इनमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और अच्छे तरीके से मिला दिया। इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते। अब अदरक को काटेंगे। अदरक को छील कर तो पहले ही से लिया हुआ है, तो अदरक के भी हम छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे, लंबे लंबे पतले पतले, वही बाइट साइज में। अदरक अगर नहीं पसंद करते तो नहीं डालें, लेकिन अदरक से मूली का अचार बहुत टेस्टी हो जाता है, और अलग से आपके मुँह में जब अदरक आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये अदरक कट गया, अब हरी मिर्च काटते हैं। तो पहले तो इसकी लंबाई में करके 2 पार्ट कर लिए। वैसे तो आप अपनी पसंद से काट सकते हैं, जैसी भी चाहें। और ये मैंने इसको 4 टुकड़ों में काट दिया। मिर्ची काटते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ज़्यादा हाथों को मिर्ची में नहीं डुबाना है, और चाकू की हेल्प से ही काम करना है। जब भी आप इन्हें इधर से उधर करें तो चाकू की हेल्प से करें, हाथों से ना छुएं। तो ये मिर्ची हमारी कट गई, और मिर्ची काटने के बाद हाथों को तुरंत साबुन से धो लें। 1 घंटे के बाद इन मूलियों को लेते हैं, और देखिए इनसे कितना सारा जूस निकल आया है। इस जूस को हम छान देंगे। 4-5 मिनट छलनी में ही छोड़ देते हैं ना, ताकि सारा जूस मूली का निकल जाए। अब इन मूली को हमें थोड़ा सुखाना है। ये ट्रे ले ली और उस पर कपड़ा बिछा लिया है। इसके ऊपर इन मूली को इकहरा करके डाल देंगे। अगर धूप है तो आप 2 घंटे की धूप में रख दीजिए, और धूप नहीं है तो पंखे की हवा में रख दीजिए आप 1-1.5 घंटे के लिए। बस इनका जो ऊपर से जूस जूस जैसा दिखाई दे रहा है वो सूख जाए। ये जो मिर्ची काटी थी इन्हें भी इनके साथ सूखने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा खोल देते हैं, और ये अदरक भी। तो मैं इन्हें धूप में रखाती हूँ, हल्के से सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं सुखाना होता। मतलब हम हाथ में लें तो पानी हमारे हाथ में नहीं आना चाहिए। तो ये सूखकर तैयार है। इनको मैंने धूप में सुखा कर लिया है। आप धूप की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धूप नहीं है तो इन्हें पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए रख कर ले लीजिए। ये प्याला ले लिया, और ये मूली के टुकड़े, और ये अदरक भी इसी में, और ये हरी मिर्च। अब इनके लिए तेल मसाले तैयार कर लेते हैं। तो आइए गैस के पास। ये पैन ले लिया, ये 1/2 कप सरसों का तेल। अचार सरसों के तेल में ही बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 1 टेबल स्पून तेल मैंने बचा लिया है, ये हम बाद में यूज करेंगे। 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी मेथी दाना, 2 छोटे चम्मच दरदरी कुटे सौंफ। ये सारे मसाले मैंने कुटे पिसे लिए हुए हैं, इन्हें मैं गरम तेल में डाल रही हूँ, हल्के से भुन जाएंगे। और 2.5 चम्मच पीली सरसों, ये भी दरदरी पिसी हुई है, हल्का सा इन्हें भून लेते हैं। आप साबुत मसाले ले रहे हैं तो उन्हें पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके बाद उन्हें दरदरा पीस कर ले लीजिए। मेरे पास ये कुटे हुए मसाले रखे थे तो मैंने वो ही ले लिए हैं। 1/2 छोटी चम्मच हींग, अचार में हींग थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। ये मसाले हल्के से भून गए। ये 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाले वाला गर्मा गर्म तेल डालेंगे हम इन मूली और मिर्च के ऊपर। अभी कुछ और मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च,
काली मिर्च क्रशर से कर लीजिए या फिर 15-20 काली मिर्च ददरी कूट के ले लीजिए, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच नमक। मूली में भी हमने नमक डाला था तो मूली में तो है, लेकिन मिर्च अदरक में नमक नहीं है, मसालों का बैलेंस करने के लिए भी नमक चाहिए। और अब इन सबको मिलाते हैं। मूली मिर्च अदरक के टुकड़ों पर सारे मसाले अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। अब बचे हुए तेल का भी यूज करते हैं। ये डाल दिया तड़का पैन में और इसे भी गरम कर लेते हैं। गरम तेल में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया है, 1 छोटी चम्मच साबुत सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच मेथी के दाने और 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी। हल्का सा इन्हें भून लेते हैं और ये ध्यान रखिए ये मसाले इसी क्रम में भूनने के लिए डालें। फ्लेम बंद कर दी और ये तड़का डालेंगे इस अचार के ऊपर। ये जो साबुत मसाले डाले हैं इनका फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मिक्स कर देंगे और सबसे बाद में डालेंगे विनेगर। 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है, कोई भी विनेगर ले सकते हैं आप, एप्पल साइडर, गन्ने का, जामुन का, लेकिन विनेगर डालिए जरूर। इससे ये अचार बहुत लंबे समय तक चलता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। अचार तैयार है, इसे आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मूली के अंदर सारे मसाले समा जाएंगे और वो खट्टी और बहुत टेस्टी हो जाएंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए, पूरे 6 महीने तक खा सकते हैं। अचार लंबे समय तक बिल्कुल खराब नहीं होगा, इसमें आपको और तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना तेल काफ़ी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप अचार को जिस कंटेनर में भरें उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें या माइक्रोवेव में गर्म करके सुखा लें, और अचार निकालते समय सूखी साफ चम्मच का यूज करें, गीले हाथों से भी अचार नहीं निकालें। तो आप इसे फटाफट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।